हमारी स्टार्टिंग बाइक होती है 6000 से. दिस इज ST10. यू कैन ओपन द व्हील एंड पुट दिस बाइसिकल इनसाइड एनी कार. नेक्स्ट बाइसिकल इन द लिस्ट इज द SC30, अ बाइसिकल दैट लुक्स सिमिलर. आपकी जो फ्रेम है उस पर आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है डिकैथलॉन की तरफ से, और आपके जो भी नॉन वेयरिंग पार्ट्स होते हैं. Hey guys, this is Fat Bike Vaibhav. आप लोगों के हमेशा यही क्वेश्चन रहते हैं कि 10,000 के अंदर कौन सी बाइसाइकिल लेनी चाहिए. वेल फॉर दिस आज एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एंड एक बहुत ही एपिक जगह पे मैं जा रहा हूँ. वेल दिस इज डिकैथलॉन. Basically, they have the biggest sports chain in India. They have all the sports like cycling, running, even fishing, rugby. You're gonna find everything here. Rather than wandering on the street or going to the market, I thought ki yahan par aana chahiye because they have the comfortable environment. You also have air conditioning. This is kind of big. And Decathlon aapke malls mein mil jata hai. This particular Decathlon is in metro station. एंड और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया. एज यू नो डिकैथलॉन पे काफी ज्यादा बाइसाइकिल्स आती है, काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड हर सेगमेंट की बाइसाइकिल आती है. लेट्स फाइंड समवन एंड उनसे पूछते हैं कि कौन सी बाइसाइकिल है जो हमारे बजट में मैच करेगी. सो बेसिकली आपके पास 10,000 में कौन सी बाइसाइकिल है? मेरा एक्चुअली बजट लिमिटेड है सिर्फ 10,000 रुपीस में. हमारी स्टार्टिंग बाइक होती है 6,000 से. दिस इज ST10 रॉक राइडर. यू हैव अ बॉडी ऑफ स्टील बॉडी. And we have a V brake over here, and we have a rigid fork, no suspension. और कोई नहीं है कि आपके पास मतलब इस बजट में? 10,000 में you get this second bike. This is worth 8,000 rupees. इसमें आपके दो frame आते हैं, एक लो फ्रेम होता है and this is a high frame. So basically ये female male का अलग है या frame का ही फर्क है? सारे आपके unisex होते हैं cycles. इसमें just like kids भी होते हैं जो height हो जाती है जिनकी, तो उनको चढ़ने उतरने में easy रहे, that's why it's a low frame. And high frame males mostly high frame prefer करते हैं. So this is our basic starting gear bike under the range of 10,000 rupees. अच्छा 10,000 में gear bicycle भी है? Yes. This is kind of hard. मैंने 10,000 में नहीं सुना. Like this is a basic MTB bike also, and you get gears in it. इससे बैठ के मैं देख सकता हूँ चला के? हाँ sure. अंदर allowed है? Allowed है. I'm just testing out कैसी चलती है, feeling कैसी आती है, because we are actually allowed to do that. बेसिकली आई एम लिटिल कंफ्यूज कि मुझे कौन सी बाइसाइकिल पे बाइक करनी चाहिए. एक चीज़ का मुझे हमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ना, सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी साइकिल्स की लिखी होती है. सो दिस इज नो एक्चुअल कन्फ्यूजन. सो दिस इज लाइक द नॉर्मल बाइसाइकिल 8,000 रुपीज़ की है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा एसेसरीज लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, मडगार्ड लेना चाहते हैं, बेल लेना चाहते हैं, सारी एसेसरीज ऐड करेंगे, दिस वुड बी द टोटल अमाउंट लाइक 10,700 रुपीज के आसपास से बन जाएगा. दिस वुड बी द फुली इक्विप्ड बाइसाइकिल एंड इसमें ऑलरेडी आप एसेसरी लगी हुई भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ बॉटल लगी हुई है, बॉटल होल्डर लगा हुआ है, देयर इज अ सीट कवर. दिस आर काइंड ऑफ द एसेंशियल एसेसरीज दैट आर अवेलेबल एंड यू कैन सी एंड चूज एवरीथिंग. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, जस्ट बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर, आई टॉक टू देम, मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा मुझे एंड दे डिड अलाउ मी. सो आई विल बी टेकिंग ऑल द थ्री बाइसाइकिल्स ओवर हियर एंड गो आउट फॉर द रिव्यू, ताकि मैं चेकआउट कर सकूँ मेरे लिए कौन सी बेस्ट है. दिस इज ST10 फ्रॉम बिटवीन, विच इज सोल्ड बाय डिकैथलॉन. दिस इज बाइसाइकिल फॉर बिगिनर्स, first time user who want to see if they can join the cycling as a sport. Well, cycling is an expensive sport. Even I use my primary bicycle, which costs like 1.4 lakh rupees. The other bicycles in my collection, they cost like 12 lakhs. And not everyone can spend that much. Well, someone who is on a strict budget and needs a basic bicycle with high quality build can opt for this. This is available in medium and large size, basically for people who have 5 foot 4 inch height to 6 foot. Use it for local commutes, going to tuition and for local shopping. And you can also do some quick morning rides. It doesn't get gears, so it's easy to use. Now this is the replacement for the iconic between my bike, the white color one, which I have already reviewed. With a price tag of just 6,000 rupees, it makes it an affordable choice for beginners. Just invest 2,000 rupees more and get a much better bicycle. This is the ST20. Again, another single speed bicycle. This is perfect for city use. You also get a quick lease system in the seat so that you can easily change the height of the seat. And now the major difference is the fact that it gets the front quick release.
You can open the wheel and put this bicycle inside any car. Basically, when you keep this bicycle inside the car, you can have lots of space so that you can store other items, and even you get free storage in the dicky. Kids can reduce the height and go to tuition. Mom can increase the height and go for some shopping trips. Dad could remove the wheel and take it to the office in case there is a lot of traffic, and he prefers to return by bicycle. Next bicycle in the list is the SC30, a bicycle that looks similar to an MTB. The frame is much better. It is also thicker than both of the bicycles. The fork near the quick release, it looks much modern. With the introduction of 7 gears, you can easily climb flyovers or even cross footover bridge. With the help of gear, you can easily pedal at any speed. At the price tag of just 10,000 rupees, it is one of the best bicycles with gears. Consider the fact that bicycles these days have a price tag of 14,000 rupees. Forget about the quality, they don't even offer the gears. This being from Decathlon gives you gears at 10,000 rupees. First of all, you get the trust of Decathlon, the service network of Decathlon, and also the build quality of Decathlon. These are not like other gears who would break down while cycling. The derailleur at the back is from Bitwin. The model is Mega 34. Now let's see the similarity in all the bicycles. First of all the bicycles have V brakes. They all have 26 inch wheel size. None of the bicycle gets a suspension. They have a rigid fork. Pedals are all the same. The seats are almost similar as well. You also get single bottle option in all the bicycles. And I'm thankful even in the most affordable bicycle, the ST10, you also get a bottle holder. And I also noticed the reflectors in all the bicycles are ISI approved. All the bicycles also have shadow walls, so it's easier to pump this bicycle tire anywhere you want. You can even pump the tires in petrol pumps, but it's actually not recommended. None of the bicycles come with a stand, you have to buy that separately. These all bicycles are made in India, so you can actually feel proud while owning them. You can see Rock Rider written on all the bicycles. This is the series from Bitwin, like they have the Tribun series. As today, I have the budget of 10,000 rupees for the bicycle. Well, I'll be buying the ST30. And now, let's get back to this show. Basically, aapne bhi thoda sa review dekh liya hoga mere style mein. This might help you to choose the best bicycle under 10,000 rupees. Now let me tell you why Decathlon and why did I prefer this brand. जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगती है कि there is no actual discount. जो आपके पास जो prices लिखे होते हैं, these are the exact same prices जो आप pay करते हैं. जब आप किसी और bicycle shop पे जाएंगे, वहाँ आपको high price बताएंगे, फिर आपके लिए discount करेंगे. That I really don't like. जो दिख रहा है, वो हम pay कर रहे हैं. That is good. Decathlon की online services भी होती है. आप इसको घर पे भी मंगा सकते हैं bicycles को. वो आपको घर पे deliver भी कर देंगे. And अगर आपको store पे खरीदना है, आप store पे भी कर सकते हैं. You want a takeaway पे भी आपको option मिल जाता है. As per my experience, जब मैंने cycling start की थी, तब Decathlon मेरे ख्याल से तब start हो गया था इंडिया में. तो उनकी जो bicycle थी, these are much long lasting. लोगों ने तब जो बाई खरीदी थी, वो अभी तक उनकी रन कर रही है. Despite the fact कि वो बिल्कुल भी उसका सर्विस नहीं करते हैं. Then अपनी bicycle सेल करने जाते हैं, तो उसकी जो resale value होती है, वो भी काफी ज्यादा हाई मिल जाती है. The environment is so clean. The staff is really helpful. And especially if you see the working environment over here, you might not know this, लेकिन जब मेरा college end हो रहा था, मैंने actually consider किया था कि मैं Decathlon में job करूँगा. Because if you look at the employees over here, काफ़ी ज़्यादा friendly लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा youth employees होते हैं यहाँ पर, काफ़ी energetic होते हैं. I don't know why I'm discussing this, लेकिन मेरा सच में बहुत मन था Decathlon में work करने का, लेकिन मेरा YouTube start हो गया, तो मैं YouTube की side पर चला गया. What you can see behind me is that कि यहाँ पर कोई भी आप indoor game भी play कर सकते हैं. They actually set up, जैसे वहाँ पर कैरम लगा हुआ है, यहाँ पर ये नेट लगा हुआ है, दिस इज आई गेस स्क्वॉश बॉल, एंड नो वन एक्चुअली स्टॉप्स यू. दिस इज द एनवायरनमेंट. आप प्ले करोगे तभी तो आपको पता लगेगा आपको स्पोर्ट्स चाहिए कि नहीं चाहिए. एंड बेसिकली द बेस्ट पार्ट इज दैट कि नो वन फोर्सेस यू टू बाय एवरीथिंग. आप किसी और स्टोर में जाओगे, दे विल फोर्स यू, यार ये ले लो वो ले लो. यहाँ दे आर सो हेल्पफुल, दे जस्ट शोइंग दू स्टफ एंड आपको खुद मन करेगा यार आई विल बाय दिस, मेरे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रहा है. इस स्पेसिफिक स्टोर में आई गॉट टू नो कि यहाँ पे 150 बाइसाइकिल्स का स्टॉक लगा हुआ है. एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो बाइसाइकिल की रेंज है, दिस इज क्लोज टू 6,000, 8,000, 10,000. यही नहीं है, इनके पास प्रीमियम बाइसाइकिल्स भी हैं. इफ यू गॉना सी ऑफ द वॉल ओवर हियर, यहाँ पे सारी एमटीबी सीरीज है. दिस आई गेस द हाइब्रिड सीरीज एंड दिस इज द रोड बाइसाइकिल सीरीज. स्पेशली दिस ट्राइबन लुक्स सो गुड, आई गेस कभी ना कभी मैं इसको भी ओन करना चाहूंगा. सो इन दिस साइकिल आपकी जो फ्रेम है उस पर आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है Decathlon की तरफ से, और आपके जो भी नॉन वेयरिंग पार्ट्स होते हैं उस पर 2 साल की गारंटी होती है. लाइक डेफिनेटली द ब्रेक्स एंड द गियर्स. हाँ सारे.
और जो भी एक्सेसरीज लगेगी उन सब पे भी 2 साल की आपको गारंटी मिलती है। एंड आपको 6 महीने में एक सर्विस फ्री मिलती है साइकिल के साथ। एंड आपके डिकैथलॉन की वर्कशॉप भी होती है, आपको कभी भी कोई भी इशू आता है तो आप डिकैथलॉन की वर्कशॉप में आके अपनी सारी सर्विस करवा सकते हैं। और आपके साइकिल के साथ आप हमारे पास बाइक इंश्योरेंस प्रोग्राम भी होता है, आपको एक्सीडेंटल और थेफ्ट प्रोटेक्शन भी मिलती है उसके साथ साथ। क्या चार्जेस है उसके? उसके आपके 250 चार्जेस होते हैं, सिम्बो से हमारा होता है इसका लाइक टाइप है हमारे सिम्बो के साथ, तो उसमें 250 रुपीस आपके बाइक इंश्योरेंस। फ्लैट चार्जेस आपको कितने की भी बच सकते? कोई भी, बहुत सस्ता है। तो आप 10,000 की बाइसाइकिल लो, उसका 10% ही 1,000 रुपीस बन जाता है, वो आपका इंश्योरेंस वैल्यू होती है। बेसिकली यू डोंट जस्ट हैव द बाइसाइकिल्स, यू हैव ऑल अदर थिंग्स। जैसे आपको बेंडेना चाहिए वो मिलेगा, यू गेट द जर्सीज, जर्सीज भी मेल की एंड फीमेल की वो अलग अलग होती है। यू हैव द बिब शॉर्ट्स, और भी साइकिल एक्सेसरीज है। जैसे आपको पंप चाहिए उसकी चीज मिल जाएगी, यू गेट द बॉटल होल्डर। एंड बॉटल होल्डर पता है क्या, ये नहीं कि सिंपल कोई भी बॉटल होल्डर है, इसमें आपको अलग अलग बॉटल होल्डर मिल जाएंगे। जैसे यू गेट दिस, यू कैन सी दिस ओवर हियर, ये नॉर्मल एल्यूमिनियम बॉटल होल्डर है। यू गेट द प्रीमियम बॉटल होल्डर ओवर हियर। एंड इसमें ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे इसमें सारी चीज़ें भी आपकी डिस्क्राइब्ड होती है। जनरली आप किसी भी स्टोर में जाओगे उसको आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली नहीं मिलेगी। बेसिकली आप किसी भी स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पर आपको किसी भी स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, तो वहाँ पर कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है। यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं है, दिस इज डेफिनेटली एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, हर एक चीज़ एक्सप्लेन्ड होती है। जस्ट लुक एट दिस, ग्लव्स के भी अलग अलग लेवल आते हैं, ग्रिप का लेवल अलग, कम्फर्ट का लेवल अलग, हर एक चीज़ आती है यहाँ पर। एंड आधे ग्लव्स तो ऐसे हैं जो टच स्क्रीन से भी ऑपरेट हो जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ दिस इज लाइक दी हेवन फॉर साइकिलिस्ट। ये नहीं, हर स्पोर्ट्स का ही अलग है, वहाँ पर नोटिस करेंगे वहाँ अलग है, वहाँ फिटनेस का है। नाउ लेट्स सी द मेन थिंग ओवर हियर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, दिस इज़ द बाइसाइकिल वर्कशॉप एरिया। यू कैन एक्चुअली सी यहाँ पर आप बाइसाइकिल सर्विस करा सकते हैं, यू गेट ऑल द थिंग्स ओवर हियर। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे दीज आर दी चार्जेस वी आर क्लियरली रिटन ओवर हियर, क्या क्या सर्विस आपको मिल जाती है। देन अगर यहाँ पे देखेंगे दीज आर ऑल दी स्पेयर पार्ट्स, इज लाइक हेवन फॉर मी डेफिनेटली। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत डिफरेंट लगी, मे बी ये इस स्टोर का है या फिर सब में भी स्टार्ट होने वाला है, दिस इज अ प्रिंटिंग मशीन एक्चुअली। यानी आपकी जर्सी जो होती है उस पर प्रिंट कर देते हैं आपका नाम, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटिंग जर्सी 10 एंड जॉन। देन डिकैथलॉन राइड्स भी बहुत ज़्यादा कराते हैं, स्पेशली आई ऑल्सो गो टू द राइड्स, आई एक्चुअली मिस देम। कोरोना के बाद थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन आई गेस दिस इज इंक्रीजिंग इन फ्यूचर। आई कैन सी ओवर हियर देयर इज अ रोड बाइक एंड अ ट्रेनर, दिस इज ऑल्सो फॉर टेस्टिंग, कोई भी आगे इसको राइड कर सकता है। बेसिकली समझ लो आपको घर पर राइड करनी है, द मौसम इज नॉट गुड, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, आपका होम पे सारा वर्कआउट हो जाएगा। दिस इज वन थिंग दैट आई डेफिनेटली लाइक, दिस इज डेफिनेटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड मोस्ट ऑफ द फैब्रिक्स आर लाइक दिस। आई गेस दिस आर बेसिकली मेड फ्रॉम द प्लास्टिक दैट recycled and then made into the fiber that is made into the t-shirts. It's time for me to buy some accessories. ये helmet मुझे काफी अच्छा लग रहा है. Let's buy this. आपके पास कौन सी bicycle है? Fatbike और MTB है मेरे पास. Okay. So MTB के लिए आप ये वाले gloves देख सकते हैं. अच्छा, फुल फिंगर में टच स्क्रीन ऑपरेट हो जाएगा इसमें? इसमें टच स्क्रीन हो जाएगा। हमारे 2 बॉटल केज होते हैं, इसमें सारी बॉटल्स आ जाती है, इसमें आपके एक ही साइज की बॉटल्स होती है। अच्छा, स्टैंडर्ड वाली स्टैंडर्ड होती है। मेरे को वो वाला दे दो, ब्लैक वाला। एक मुझे थर्मल बॉटल दे दो प्लीज। थर्मल बॉटल आपको राइट साइड वाली, इसमें शायद ठंडा रहता है ना पानी? हाँ, इसमें कितने आज तक रहेगा? 3 आवर्स तक रहेगा। इसके बाद जैसे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए जा रहे हैं तो आप शॉर्ट्स भी प्रेफर कर सकते हैं। ट्राई कर सकता हूँ मैं इसको? हाँ, ट्राई कर सकते हैं, कोई ट्रायल रूम में ट्राई कर सकते हैं। एमटीबी राइडर तो आपके लिए से इमरजेंसी पंप्स होते हैं, इमरजेंसी पंप्स होते हैं। अगर आपके कभी बीच में टायर भी पंचर वंचर हो जाता है तो आप इसे इमरजेंसी हवा भर सकते हैं। इवन जर्सी, जर्सी तो अच्छी लग रही है। अगर दिस इज द स्टैंडर्ड वन है आपकी, सबसे ज्यादा आइकॉनिक टाइप की, सब मतलब मोस्टली साइक्लिस्ट के यही पहनते हैं ना। ये मीडियम में होगी आपके पास? हाई से मीडियम में होगा। जैसे बाइक लाइट्स है आपकी, ये सारी आपकी बैक लाइट्स के लिए हो गई, ये बिल्कुल स्टार्ट, और ये आपके फ्रंट लाइट के लिए हो गई। एंड देन आपके बाइक के हिसाब से आपके बेल के 3 कलर्स आते हैं इसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए नेक्स्ट है बाइक लॉक। अच्छा, इंडिया में तो बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट होता है, इंडिया में बहुत सारी बाइसाइकिल चोरी होती है। नॉट अ साइकिल लॉक, दिस इज एक्सेसरीज लॉक, सो लाइक आप हेलमेट्स को करने के लिए ये होता है, मोस्टली लोग ये लेके जाते हैं। बट बाइसाइकिल मैं भी इससे लॉक, मैं पूरी जिंदगी इससे लॉक कर रहा था, मतलब की ज्यादा सेफ नहीं होता ये, मतलब आप काटना चाहते कट जाता है, इसलिए हम लोग एक्सेसरीज लॉक बोलते हैं इसे। आपकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉक्स होती है ये वाली, ये आपके सारे सेल्फ सेकआउट कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पे आपको किसी की असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको चाहिए होता है तो हम लोग अवेलेबल होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, अदरवाइज आप खुद अपना, अगर आपका फोन पे UPI है या फिर आपका कार्ड, तो आप यहाँ पे अपने आप चेकआउट कर सकते हैं। हेलो सर, कैसे हो? मैं कर लूंगा खुद, डेफिनेटली हेल्पफुल, सीधे आ जाते हैं। ओह नाइस, मलिक वैभव टू डिकैथलॉन ESI मेट्रो स्टेशन, लेट्स चेक आउट फर्स्ट राइड।
एज यू नो दिस चैनल इज गुड ओनली बिकॉज इट इज अनबायस्ड एंड मैं थोड़ा सा डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ डेकैथलॉन की. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द साइकिलिंग सेक्शन ये लोग आउटसाइड बाइसाइकिल एंटरटेन नहीं करते हैं. दिस इज डू द बिटवीन साइकिल या फिर आपकी जो डेकैथलॉन की साइकिल है वही करते हैं. एंड द सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट के जो ओपनिंग टाइम्स होते हैं जर्नली डेकैथलॉन के दिस इज क्लोज टू 10 and 11 AM. नॉर्मल पर्सन के लिए ठीक है लेकिन फॉर अ साइकिलिस्ट ये थोड़ा सा मेडली लेट हो जाता है. बेसिकली इफ यू आर डूइंग अ राइड एंड कमिंग बैक तो वो अराउंड 8 AM हम वापस आते हैं. तो यू वॉन्ट एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम जाएं चाहे बाहर से ऐप से ऑर्डर करते कोई हमें यहाँ से हाथ के हाथ दे दे अंदर ना आने दे कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक ऑप्शन होना चाहिए कि हमें शॉपिंग करने का मिल जाए. क्योंकि मैंने कई बार यहाँ पर आया हूँ एंड हमेशा मेरा यही होता था 8 AM में आता था स्टोर बंद होते थे सारे. एंड द लास्ट डिसएडवांटेज दैट जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है दे डोंट एक्चुअली हैव फैट बाइक्स. दे हैव किड सेक्शन दे हैव एडल्ट सेक्शन लेकिन फैट बाइक कहाँ है भाइयों. अभी तो ट्रेंड आगे चला भी गया फैट बाइक होनी चाहिए थी आप लोगों के पास. बेसिकली चल बेसिकली दैट इज द बिगेस्ट साइकिलिंग स्पोर्ट. मैं क्यों अटक रहा हूँ भैंस की आंख भाई मौसम दिखा मार कितना मज़ेदार हो रहा है. वाओ अब मज़ा आ रहा है काम करते हैं मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ पर. लाइट एक तो लाइटिंग जब प्रॉपर होती है मेरे को वो बहुत मज़ा आता है क्योंकि फिर फेस अच्छा लगता है. लेट्स चेक आउट फर्स्ट आइटम. ओए ये कब हुआ अरे फटी तो नहीं है उसमें नहीं एक ही हुई है भाई नहीं ठीक है डबल बिलिंग नहीं होती है. मुझे पता भी नहीं था ये जो आपने बास्केट अंदर डाल दिया था ना वैसे नहीं करते हैं एक एक करके सामान डालते हैं उसमें. अच्छा मैं सीधा हाँ आपने बास्केट डाल दिया था. रूल्स अब चेंज हो रहे हैं मेरे लिए. मैंने पूरी बास्केट डाल दी उठा के मेरे कैमरामैन ने बोला था देखो तू बहुत पिटेगा भाई. बिटवीन साइकिल या फिर आपकी जो डेकैथलॉन की साइकिल है वही करते हैं. दे ऑल्सो हैव अ रीजन क्या होते को पता नहीं तेरे को नहीं पता है बिटवीन की करते हैं दूसरे नहीं एंटरटेन करते एंड इनको ये जान के नहीं कर रहे. इनके पास वो है क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगाई हुई ये नहीं कर सकते दूसरे का. ये चाहते तो कर सकते लेकिन फिर भाई ना अब गवर्नमेंट मना कर दे कि क्या कर लोगे भाई तुम. नाउ देयर विल बी आल्सो अ गिव अवे जो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अनाउंस होगा उसमें आपको 3 बाइसाइकिल विन करने का मौका मिलेगा. तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं एंड सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं. आपको बाइसाइकिल्स कैसी लगी 10,000 rupees के अंदर क्या ये वर्थ है क्या नहीं वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं. मेरी बाइसाइकिल कैसी थी इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं. मैं इंस्टाग्राम पर काफी लाइव आता रहता हूं मैंने काफी ज्यादा स्टोरीज भी ली हुई है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. दैट इज फैटबिक वैभव एंड दिस फैटबिक वैभव signing off.